हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खाजा। तो बिहार की कई मिठाइयों में से ये मिठाई भी बिल्कुल फेमस मिठाई है, लेकिन इसे कहते हैं टोपी खाजा, क्योंकि खाजा जो बनता है बिहार में दो तरह का खाजा बनता है, और इसे बेटी या बहू को विदाई में देने का प्रचलन है हमारे यहाँ। और इस खाजा मिठाई से एक कहानी भी काफ़ी फेमस है। एक व्यक्ति दुकान पे जाता है और वो पूछता है ये क्या है, तो दुकानदार जो मिठाई वाला था वो बोलता है कि खाजा। बस वो उठाता है और खा लेता है। फिर उसने कहा पैसे दो, तो वो कहता है कि अभी मैंने तुमसे क्या पूछा और तुमने क्या कहा, तो बोला खाजा। फिर वो उठाता है, फिर से खा जाता, तो फिर वो बोलता अब डबल पैसे दो। इस तरह से करते करते कई बार वो खाजा बोलता है और कई बार वो खा जाता है। अंत में दुकान वाला परेशान हो जाता है और तब जा कर के समझ में उसे आता है कि ये इसे पता ही नहीं कि इस मिठाई का नाम खाजा है। तो इस तरह से वो अंत में उससे हाथ जोड़ देता है और बोलता है भैया इसका नाम ही है खाजा, ये मिठाई है जो खाजा नाम से फेमस है, तो चलिए इस मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 कटोरी मैदा, तो मैं ली हूँ 2 कटोरी, आप इस किसी भी बर्तन से ले सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटी मेजरमेंट बता रही हूँ। तो और एक आधा चम्मच मैंने डाला है तेल। इसमें मोइन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप मुट्ठी बांध सकें, बिल्कुल खुला खुला मोइन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा जो मैदा है वो कड़क ना हो इसलिए। अब पानी देकर हमें इस तरह से गूंध लेना है। जब आप इसे गूंद लेंगे तो आटा बहुत कड़क भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो, नॉर्मल हो। अब इसके लिए हमें दूसरा फिर से मोइन तैयार करना। तो मैदा लीजिए 2-3 चम्मच और उसमें तेल डाल दीजिए और इसे अच्छे से एक लिक्विड की तरह घोल लीजिए। और यहाँ पे मैं मैदे का पोर्शन ली हूँ, मैंने आधा मैदा इस तरह से ले ली हूँ मैं, और ये है पाटा। तो इस तरह का आपके पास किसी भी तरह का सनमाइका का जो पीढ़ा होता है या कुछ भी, मैं स्पेशली इसे इसीलिए ख़रीदी हूँ खाजा बनाने के लिए। हलवाई के पास तो और भी बड़े बड़े होते हैं, तो इसे मैदे को अच्छे से गोल करके और पहले रोटी की तरह अच्छे से गोल बेल लीजिए। उसके बाद इसे अब लंबा बेलना है, इसमें फैलाते हुए बराबर कहीं भी सिलवट ना आए कोशिश करना है, और मैदा सूखा लगाते जाइए और ऐसे बेलते जाइए। और जैसा हम रोटी नॉर्मल बनाते हैं बस उतना ही हो, बहुत पतला भी नहीं करना है और मोटा तो बिल्कुल ही करना नहीं है। दूसरा एक और घोल बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा मैदा और 1-1.5 चम्मच पानी दे करके आप इसे तैयार कर लीजिए। तो ये याद रखिएगा, एक पानी से और एक तेल से, तो ये लिक्विड की तरह बनेगा और वो घोल की तरह बनेगा। अब ये देख सकते हैं आप, मैं पूरा बेल कर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नज़दीक करके दिखाना है, इसलिए मैं इसे आप नज़दीक ले आ रही हूँ। और इसका जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैदा और पानी वाला घोल थोड़ा सा लगाना है। ये देखिए, इस तरह से लगा के एक फोल्ड हमें कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप तेल में डालेंगे तो खुलेगा नहीं, और ये तेल और मैदे वाला जो घोल है, यानी कि ये इसका असली मोइन है। ये मोइन इस तरह से इसका होता है, और मैदे में थोड़ा सा बिल्कुल हल्का मोइन देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस तरह से लगाते जाइए, अभी सबसे शुरू में एक चौड़ा सा फोल्ड लगाइए इस तरह से, और बस पूरे में धीरे धीरे से लगाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। लास्ट में फिर से हमें पानी और मैदे वाला घोल लगा देना है, ताकि वो चिपक जाए और जब आप तेल में डालें तो खुले नहीं। और इस तरह से बराबर करके हमें एक रोल बना लेना है, फिर बीच से काट दीजिए और बराबर बराबर कोशिश कीजिएगा इसका जो पीस है कटे, इसी पीस से आप माप करके दूसरा पीस भी काट सकते हैं। लेयर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, आप इससे मोटा पीस भी काट सकते हैं थोड़ा, मगर बहुत पतला पीस ना काटें। और इसे इस तरह से लंबा बेला जाता है।
ऐसे ऊपर से नीचे बेल करके एक साइज में, जितना पूड़ी का होता है उतना ही, बहुत पतला नहीं करना है इसे। और इस तरह से आप चार पांच एक बार में बेल लीजिए। यहाँ पे तेल गरम करके इसे पहले चेक कर लीजिए, जब जो आपने टुकड़ा डाला है वो ऊपर आना चाहिए, तभी हम इसे तेल के अंदर छोड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लेयर है सभी खुलने लगते हैं। तो आपने अभी कभी अगर हलवाई को देखा होगा बनाते, तो हलवाई वाले भैया भी यही काम करते हैं, इसके लेयर को खुलने में वो सपोर्ट करते हैं। तो आपके घर में कोई भी इस तरह का फ्लैट मुंह वाला चाकू हो या कुछ भी हो, तो आपको दोनों साइड से इसे थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा ऐसे खुलने के लिए, तभी ये लेयर बाय लेयर खुल जाता है। और बहुत सुंदर से, मतलब इतना बढ़िया, एक तो सुंदर दिखता भी है और बढ़िया कुरकुरा होता है। और गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे तल करके निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है इसे, आप एक साथ में तीन चार करके नहीं तल सकते। अगर लेयर खोलना है तो लेयर, कई लोग इसे लेयर नहीं खोलते हैं, बस ऐसे ही तल लेते हैं, तो वो अंदर तक आपकी चाशनी नहीं जाएगी, खाने में ख़राब नहीं लगेगा पर चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। और इस तरह से बारी बारी से तेल निकाल लीजिए। और जो कोशिश कीजिए इसे ऐसे खड़ा करके रखिए, आप चाहें तो थाली के ऊपर भी रख सकते हैं। और आप देखिए इसमें भी कितना बढ़िया लेयर आया है। तो जो साइड वाला होता है उस वाले पोर्शन में थोड़ा कम लेयर आता है, क्योंकि एक साइड से वो चौड़ा होता है, एक साइड से पतला हो जाता है बेलते वक्त। अब ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लेयर आया है, बस ऐसे ही लेयर आना चाहिए। अगर आपने सही में बिहार का खाजा खाया होगा तो आपको ऐसा ही खाजा मिलेगा। अब हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है। तो जिस कटोरी से मैं मैदा ली थी उसी कटोरी से मैं एक कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी डाल करके इसे उबाल दूंगी। तो चीनी को मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। गैस का फ्लेम तेज रखिए और जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो दो मिनट और पकाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट हमें पकाना। और इसकी चाशनी सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा। और चाशनी में इस तरह से थोड़ा कढ़ाई को टेढ़ा करके पूरी तरह से अंदर तक चाशनी जाना चाहिए, डुबो डुबो कर आप एक जाली पे निकाल करके तैयार कर लीजिए। इतना बढ़िया बना है, एकदम परफेक्ट मीठा मीठा भी हुआ है और कुरकुरा भी हुआ है। और मैं इसे रात भर के लिए थाली में ऐसे फैला करके छोड़ दी हूँ। सुबह तो इतना मस्त हो गया, कोई सारी जो भी थोड़ी बहुत चाशनी थी एक दो निकल गई, एक दो बूंद करके। और इस तरह से आप अगर कभी आपने जो बिहार का खाजा खाया होगा ऐसा ही रहता है। अभी थोड़ा चिपचिपा है लेकिन ध्यान दीजिएगा इसे अभी स्टोर नहीं कीजिएगा। जब आप इसे स्टोर करेंगे तो आप दो तीन महीना आराम से खा सकते हैं। तो इसे 12-13 घंटा बस ऐसे ही थोड़ा खुले में ही रखना है, पूरी चाशनी अच्छे से सूख जानी चाहिए। मीठा भी परफेक्ट हो गया और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। चाहें आप तो इलायची या दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं चाशनी में। और इस तरह से आप अपने घर पे बिल्कुल आसान तरीके से खाजा बना सकते हैं, और ख़ुद भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।